अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू रिजवानास किचन। आज हम बनाएंगे गोश्त भाजी। कैसे बनाते हैं मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है। गोश्त भाजी बनाने के लिए मैंने आधा किलो हड्डी वाला गोश्त लिया है। देखिए, आधा किलो हड्डी वाला गोश्त है। मैंने इसको साफ करके धो के ले लिया है। इसमें हमने 4 मीडियम साइज के प्याज डाल के इसको धोकर ले लिया है। मैं जब गोश्त काट के पानी में डालती हूँ ना, तभी मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ, क्योंकि गोश्त का जो पानी होता है ना, लाल पानी, जल्दी से अच्छी तरह साफ हो जाता है। ये देखिए, गोश्त तो हमारा धोकर हो गया है। अभी हम गोश्त के अंदर 2 टमाटर डालेंगे। पहले हम गोश्त गाला कर लेंगे गोश्त भाजी के लिए। और भाजी में क्या डालने वाली, गोश्त भाजी में पालक की एक गड्डी है और एक सेपों की भाजी, जिसको मैंने साफ करके कट कर लिया है, साफ करके इस तरह से। और ये 4 चम्मच खोबरे की पाउडर है, हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन। ये जो मसाले हैं ना, हरी मिर्ची, वो हम सब पीस कर लेंगे। इसको हम साइड में रख देंगे। पहले हम गोश्त गला कर लेते हैं। गोश्त हमने धोकर रख लिया था। मैं आज हरे मसाले की गोश्त भाजी बना रही हूँ, इसलिए मैं इसके अंदर हरी मिर्ची डाल रही हूँ। अगर आपको हरी मिर्ची की जगह लाल मिर्ची डालना है, तो आप लाल मसाले का ही बना सकते हैं। हमने जो 2 टमाटर लिए थे, इसको भी हम काट कर गोश्त में डाल देंगे। पहले हम गोश्त को 4-5 सीटी लेके अच्छा गला कर लेंगे, फिर बाद में मैं आपको बताती हूँ किस तरह बना। नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए। गोश्त गलाने में पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाला मैं इसलिए डालती हूँ गोश्त में, खुशबू बहुत अच्छी आती है। जब गोश्त गलता है ना, उसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन पिसा हुआ डालेंगे। अब हम इनको अच्छी तरह इस तरह कर लेंगे। सब मसाला, हल्दी, नमक सब अच्छे से लग जाएंगे गोश्त। चार पांच सीटी आने के बाद हम थोड़ा गैस को कम कर देंगे, फिर बाद में गैस बंद कर देंगे और गोश्त गलने तक हम जब तक ये जो मसाले लिए हैं, ये सब मसाले को पीस कर। देखिए, भाजी को हमने धो के ले लिया है, मसाला भी हमने पीस लिया है। गैस पे बर्तन गरम को रख दिया है हमने। अभी हम इसमें तेल डाल के पहले गोश्त भाजी का मसाला पका कर लेंगे। मसाले को अच्छा हमको भून कर लेना है। इसमें पहले हम इसमें डालेंगे तेल। छह छोटे चम्मच हमने इसमें तेल डाला है। तेल भी हमारा गरम हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे मसाला। मसाले को अच्छा भुनना है, फिर इसके अंदर भाजी, फिर गोश्त डालना। जब तक इसमें अच्छी से खुशबू नहीं आती है, बस कच्ची स्मेल सब मिर्ची की चली नहीं जाती है, जब तक हमको इसको अच्छा भून कर लेना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छा पकने देंगे ढक्कन ढक के। 5 मिनट के बाद हम इसको और चेक करेंगे। अब इसको एक बार और जरा चेक कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको और 5-10 मिनट के लिए भून कर लेंगे, फिर इसके अंदर भाजी डाल देंगे। गोश्त भी हमारा अच्छी तरह गल गया है। मस्त गोश्त गल गया, मसाला हमारा अच्छी तरह भुन गया है। हम इसके अंदर भाजी डाल देंगे। अच्छी तरह से मसाले में भाजी को मिक्स करेंगे।
अभी हम इसमें ये गोश्त वाला भी डाल देंगे। थोड़ा सा हमने कुकर में पानी डाला है, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो अच्छी तरह से वापस गोश्त को भाजी के साथ मिक्स कर लेंगे। गोश्त गलाने में हमने नमक डाला था, अभी हम भाजी के अंदर भी नमक डाल देंगे। ढक्कन रख के हम इसको 5 मिनट तक अच्छा पकने देंगे। फिर एक बार ढक्कन हटा के हम इसको एक बार चेक कर लेंगे। इसके अंदर मैं इतना पानी डाल रही हूँ, आपको जो हिसाब से डालना है आप डालिए। गोश्त भाजी ज़्यादा पतली नहीं होती है तो गाढ़ी ही रखना है। बस मैं इसके ऊपर पानी नहीं डालने वाली, इतना ही पानी बस हो। हम इसको और 5 मिनट के लिए पकने देंगे, फिर गैस बंद। गैस को अभी हम कर देंगे बंद। हमारी गोश्त भाजी देखिए कितनी अच्छी तरह बन के तैयार हो गई है। 10 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह पका के लिए। अब मैं आपको पहले में निकाल कर दिखा। गोश्त भाजी हमारी बनके तैयार है। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नई रेसिपी के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।